हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज है 21 फरवरी और एसएससी जीडी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम्स हो जाने के बाद एग्ज़ाम के रियल प्रश्न हम आपके सामने लेकर के आए हैं। हिंदी और जीके के प्रश्नों को इसमें लिया गया है और उसके साथ साथ जैसा कि मैं आपको हर बार कुछ एक्स्ट्रा डिटेल बताता हूँ, वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में अगर इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है एसएससी जीडी फर्स्ट शिफ्ट हिंदी और जीके के पूछे गए प्रश्न। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि गायिका का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, गायिका का शुद्ध वर्तनी क्या होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे, गायिका नहीं होता है एक शब्द जो होता है वो गायिका नहीं होता है, उसे हम गायिका लिखते हैं, जो कि गायक का क्या होता है, ये गायक का स्त्रीलिंग है। गायक है पुल्लिंग और गायिका है स्त्रीलिंग, इसे इस प्रकार से हम लिखते हैं, ये गलत वाला है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वर्तनी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे देखेंगे, निर्मल का विलोम शब्द क्या होता है। निर्मल, निर्मल का होता है मलिन, निर्मल यानी कि साफ सुथरा और मलिन यानी कि गंदा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कि प्रधान का समानार्थक शब्द क्या होता है। प्रधान, प्रधान का समानार्थक शब्द क्या होता है। समानार्थक का यहाँ पे अर्थ है एक प्रकार से पर्यायवाची शब्द, समानार्थक यानी कि समान अर्थक। तो प्रधान का समानार्थक होता है मुखिया, सरदार, वजीर, और पर्यायवाची शब्द से तो आपको हर शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होगा। उज्ज्वल, उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होगा। तो अगर आपने हमारा विलोम शब्द वाला मैराथन वीडियो देखा हुआ होगा तो ये तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। उज्ज्वल का विलोम होता है धूमिल, उज्ज्वल का होता है धूमिल। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, नाक में दम करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ, तो इसका अर्थ होता है अधिक परेशान करना, बहुत ज़्यादा परेशान कर देना। अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आप क्या कहोगे, करे यार इसने तो मेरे नाक में दम करके रखा हुआ है, यानी कि मुझे परेशान करके रखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मड़ैया फूकना तमाशा देखना मुहावरे का क्या अर्थ है। इसका है घर गृहस्थी चौपट करना, घर गृहस्थी चौपट करना। मरैया क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप घर बनाते थे पहले के ज़माने में तो आगे से और पीछे से वो स्लोप होता था और बीच में जहाँ पे ज्वाइंट होता था तो वहाँ पे एक मोटा सा पार्ट बनाया जाता था। कभी कभार हम ईंटा यूज़ करते थे या फिर मिट्टी भी यूज़ करते थे, और उसके अलावा जब हम खपड़ा वाला यूज़ करते थे तो एक गोल वाला खपड़ा आता था उसके ऊपर रखते थे जिससे उसके अंदर पानी ना अंदर आए, तो उसी को मड़ैया कहा जाता था। मड़ैया यानी कि अगर वो जल गया तो पूरा समझ लीजिए घर जल गया आपका। तो मड़ैया फूकना तमाशा देखना का इसका अर्थ हो गया कि घर गृहस्थी चौपट कर देना, ये लोकोक्तियाँ मुहावरों के अंतर्गत आता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोक का विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ अलग सा हो गया है, लोक का विलोम शब्द क्या होगा ये यहाँ पे पूछा गया। लोक का, तो लोक का परलोक होता है, लोक यानी कि हमारा जो लोक है, और परलोक इसका क्या हो जाएगा आगे क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके बाद अब देखिए, मैं हिंदी के क्वेश्चन अब हो गए हैं समाप्त, अब इसके बाद जीके और जीएस के प्रश्न शुरू होते हैं। तो प्रश्न है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है। यहाँ पे नहीं लिखा गया है, अब थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती है लिखने में। तो यहाँ पे है, संविधान संशोधन किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये जो है अनुच्छेद 368 के तहत आता है, अनुच्छेद 368 के तहत। और आपको पता होना चाहिए कि यह साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया गया था, और यह क्वेश्चन आपसे पूछ भी रहा है। तो इससे पहले आपसे एकल नागरिकता के बारे में भी पूछा गया था। तो जो हमारे संविधान, अलग अलग देशों के संविधान से लिए गए कुछ कुछ चीज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, आपके आने वाले एग्जाम्स में मदद कर सकता है। तो अमेरिका से हमने लिया हुआ है मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका पद लिया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो लिया है, और उपराष्ट्रपति का जो पद है ये सब हमने अमेरिका से लिया है। इसके अलावा मौलिक अधिकार भी हमने अमेरिका से ही लिया है। मौलिक कर्तव्य जो है, जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये हमने रूस से लिए हुए हैं। कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था और संघ सूची लिया है। संघ सूची, आपने संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, ये सब है। तो संघ सूची और संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया है, कनाडा से। जर्मनी से हमने आपातकाल लिया हुआ, जो आपातकाल, तीन तरह के आपातकाल लगते हैं, 352, 356, 360, तो ये हमने जर्मनी से लिया हुआ है। एकल नागरिकता और राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से हमने लिया है, और
उसके अलावा समवर्ती सूची भी एक आता है, आपको पता ही होगा। तो ये हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। नीति निर्देशक तत्व हमने एक लिया है, ये कहाँ से लिया है? तो ये हमने लिया है आयरलैंड से, आयरलैंड से। और अनुच्छेद, जो भी अनुच्छेद यहाँ पे जो ये अनुच्छेद है, तो ये अनुच्छेद हमने लिया है जापान से, ये कहाँ से लिया है? जापान से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं याद है तो आप जरूर इसे याद कर लें, नोट कर लें, और अगर नहीं नोट किया है तो एक बार वीडियो को फिर से देखें, बैक करके आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2017 से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर बनाए गए हैं? 2017 से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर बनाए गए हैं? तो 1 करोड़ से अधिक घर बना दिए गए हैं। इसमें आपको ग्रामीण और शहरी दोनों ही मिला के बनाए गए हैं, ग्रामीण और शहरी, 1 करोड़ से ज़्यादा। और भी बहुत सारे घर बनाने के बनाए जाने हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक 1 करोड़ बने हैं, जो कि कहा जा रहा है कि सिर्फ 16% ही है कुल बनाए गए घरों का, तो मतलब जितने घर पास हुए हैं, तो अभी 1 करोड़ से के आसपास बन गए हैं। चलिए आगे देखते हैं कि 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ पर खेला जाएगा? तो ये कतर में खेला जाएगा, कतर। और कतर की राजधानी कहाँ पे? दोहा में ही खेला जाएगा, दोहा में। तो ये 4 साल में होने वाला एक प्रोग्राम है, आपको पता होना चाहिए कि हर 4 साल में फीफा, ये मेन है, मेन्स का, पुरुषों का ये विश्व कप है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फीफा विश्व कप भी 2 प्रकार का होता है, एक पुरुषों का और एक महिलाओं का। तो ये पुरुषों का है, ये 2022 में होगा दोहा में। इससे पहले 2018 में रूस में हुआ था, जिसे किसने जीता था? तो फ्रांस ने जीता था, किसको हरा के? तो इसने हराया था क्रोएशिया को। और इसके बाद 2026 में भी जो विश्व कप होगा वो भी फाइनल हो गया है, और वो खेला जाएगा कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, तीनों देश मिलके इसे होस्ट कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक और विश्व कप जो मैंने आपको महिलाओं का बताया, ये 2019 में ही खेला जाना है, और ये खेला जाएगा फ्रांस में, ये महिलाओं का है, ये याद रखिए, 2019 में ही होगा महिलाओं का विश्व कप फ्रांस में। वहीं अगर हम फीफा विश्व कप की बात करें, तो सबसे ज़्यादा अगर अभी तक किसी ने खिताब जीता है तो वो ब्राज़ील ने जीता हुआ है, 5 बार, 5 बार जीता है। और जो पहली बार फीफा विश्व कप हुआ था ये 1930 में हुआ था, उरुग्वे ने इसे होस्ट किया था और जीता भी था उरुग्वे ने ही। तो फीफा विश्व कप से इससे बाहर प्रश्न आपको नहीं पूछेगा। आगे देखते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान किसके जयंती पर मनाया जाता है? तो यह महात्मा गांधी की जयंती पर मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। और अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो 2 अक्टूबर वर्ष 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, राजघाट से नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था, राजघाट से। और महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन पर, यानी कि 2 अक्टूबर 2019 पे ये समाप्त हो जाएगा, यानी कि तभी तक पूरे भारत को स्वच्छ करने की यहाँ पे बात कही गई है कि पूरा भारत स्वच्छ हो जाएगा। और आपने देखा भी होगा कि आपके आसपास सफाई का अब ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। तो ये आप याद रखें, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 2019 को समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसे लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और महात्मा गांधी के जो समाधि स्थल है वहीं से, यानी कि राजघाट से इसे लॉन्च किया जाएगा, लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। नृत्य पे तो हर दिन एक वीडियो आपके पास पूछा ही जा रहा है, और हमने नृत्य पे एक ट्रिकी वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसे जरूर देखें, आपको निश्चय ही वो वीडियो फायदा करेगा। हर राज्य के नृत्य को उसमें इंक्लूड किया गया है, और वहां पे हम देखें आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य था, 1953 में ही ये राज्य बन के तैयार हो गया था, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, और 1953 में ये बना था। और अभी वर्तमान में इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं चंद्रबाबू नायडू, और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं ESL नरसिम्हन। और वहीं अगर हम आंध्र प्रदेश से रिलेटेड एक और बात जानें, तो 2 जून 2014 को इस देश का आधा हिस्सा कट गया, और कौन सा एक नया राज्य बन गया इस आंध्र प्रदेश से, कौन सा नया राज्य बन गया? वो बन गया तेलंगाना। तो तेलंगाना भी इसी से अलग हुआ है, और इसकी जो राजधानी थी हैदराबाद, उसे भी उसने अपने में ले लिया। तो आंध्र प्रदेश की जो अभी राजधानी है वो तो हैदराबाद ही है, 2024 तक हैदराबाद रहेगी, और उसके बाद वो हो जाएगी अमरावती, अमरावती, ये आप याद रखें। चलिए आगे देखते हैं कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो इन्होंने तुगलक वंश के शासनकाल में आक्रमण किया था, 1399 ईस्वी में दिल्ली पे इसने आक्रमण किया था, और बहुत दिल्ली को मुर्दों का शहर में तब्दील कर दिया था, दिल्ली को मुर्दों के शहर में, और अप्रोक्स आप समझ सकते हैं 1 लाख हिंदुओं को इसने काट दिया था। और उस समय बहुत ज़्यादा इसने
कत्लेआम किया था, उसके बाद लूटपाट करते हुए वापस से ये कहाँ चला गया, चला गया था ये समरकंद, समरकंद से ही ये आया था। कजाकिस्तान का एक जगह पड़ता है समरकंद, जो वर्तमान में कजाकिस्तान में पड़ता है। अगर हम तैमूरलंग की बात करें तो इसका जो जन्म है 1336 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुआ था 1405 ईस्वी में। तैमूरी राजवंश की इसने स्थापना की थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जो मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर, वो भी इसी का वंशज था, बाबर भी इसी का वंशज था, ये आप याद रखें। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, दुती चंद किस खेल से संबंधित है, दुती चंद किस खेल से संबंधित है। तो ये एथलीट हैं, 100 मीटर और 200 मीटर के दौड़ में ये हिस्सा लेती हैं। इनके बारे में आपको पता ही होगा, जब एशियन गेम्स 2014 वाले हो रहे थे तो उसमें इनके ऊपर शक था कि ये पुरुष हैं और इन्होंने अपना लिंग परिवर्तन करवाया हुआ है, तो इस कारण से 2014 का एशियन गेम्स इन्हें खेलने नहीं दिया गया था और इनके ऊपर मेडिकल जांच वगैरह लगे थे। लेकिन फिर से जब 2018 में इन्हें क्लियर क्लियर चिट मिल गया तो इन्होंने जब खेला तो 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में ही इन्होंने सिल्वर पदक जीता था और भारत का नाम रोशन किया था। उड़ीसा देश, उड़ीसा राज्य की ये रहने वाली हैं, भारत देश की ही हैं, तो आई होप इसीलिए ये पूछा भी गया, इसीलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये बन जाता है इनका। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन, वार एंड पीस के लेखक कौन है, वार एंड पीस के लेखक कौन है। तो लियो टॉल्स्टॉय है, लियो टॉल्स्टॉय, और इनके बारे में पूछ इसीलिए जाता है क्योंकि है तो ये काफ़ी पुराने, ये पुस्तक है 1867 की लिखी हुई पुस्तक है और ये हमारे देश के भी नहीं है, रसिया के हैं, लेकिन महात्मा गांधी जो हमारे थे वो इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे, तो वो लियो टॉल्स्टॉय ही थे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था, इसी कारण से लियो टॉल्स्टॉय फेमस हैं और एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं। आगे देखेंगे कि गोलकुंडा किला का, गोलकुंडा किला कहाँ पर है, तो यह हैदराबाद में है, गोलकुंडा किला हैदराबाद में है, हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में है, और इसे कुतुब शाही वंश के लोगों ने बनवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या खाना पसंद नहीं करते थे। तो ये प्रश्न ऑप्शन वाइज था और ऑप्शन में आपको एक प्रश्न था मांस, तो मांस खाना पसंद नहीं करते थे यानी कि वो शाकाहारी थे, शाकाहारी थे, ये आपको पता। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक और क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि वहाँ की जो सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक थी, यानी कि वहाँ पे महिलाओं का सम्मान होता, जैसे अभी का जो वर्ग है वो पुरुष सत्तात्मक है, आपके घर में या फिर कोई भी समाज में फैसला जो है वो पुरुषों के द्वारा लिया जाता है, लेकिन अभी उस समय क्या था, महिलाओं को ऊपर माना जाता था, उन्हें देवी माना जाता था और उनकी पूजा भी की जाती थी। चलिए आगे देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म कौन सी क्रिया नहीं होती है, जिम्नोस्पर्म में कौन सी क्रिया नहीं होती है। तो इसमें क्या है कि बीज फूल और फल के मध्य में नहीं होता है, बीज जो है वो फूल और फल के मध्य में नहीं होता है, ये बाहर होता है, ये बाहर होता है। जैसे आपने देखा होगा आम देखा होगा, सेब देखा होगा, अंगूर देखा, अंगूर में तो होता ही नहीं है, सेब अमरूद इन सब में क्या होता है कि एक बीज होता है अंदर में, या फिर बहुत सारे फूलों में होता है ऐसा, जब फूल होगा तो फूल के अंदर में बीज होता है, जैसे गुलाब का कोई फल नहीं होता है लेकिन जब गुलाब की पत्तियां झड़ जाएंगी, गुलाब के पंखुड़ियां झड़ जाएंगी तो फिर उसके पास हमें बीज मिलता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिसमें आपको ये प्रक्रिया नहीं होती, ये क्रिया यानी कि बीज के अंदर फल बनने की क्रिया नहीं होती है, फल इसका बाहर ही बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसे हम हिंदी में अनावृत बीजी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अनावृत बीजी। और कुछ पेड़ जो इसके अच्छे उदाहरण हैं वो हैं चीड़ के पेड़, देवदार के पेड़, साइकस के पेड़, ये सब आपको पता है। और साइकस के पेड़ से तो उससे मंड यानी कि स्टार्च निकाल के जो हम साबूदाना खाते हैं वो बनाया जाता है, साइकस के तने से हम मंड निकाल लेते हैं और उसके बाद उसे साबूदाना बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ा अंडाणु और शुक्राणु जो होता है वो साइकस का ही होता है, सबसे बड़ा अंडाणु और शुक्राणु ये साइकस का ही होता है, और मैंने बताया ये आपको क्या है, जिम्नोस्पर्म है। आगे देखते हैं यहाँ पे कि अम्ल और क्षार किस प्रकार से अपने गुणों में विघटित होते हैं। तो अम्ल जो है वो खट्टा होता है और क्षार जो है वो कसैला होता है स्वाद में, अगर हम स्वाद की बात करें। वहीं इसे अलग अलग, इसके गुणों को पहचानने का एक तरीका लिटमस पत्र भी है और मैंने आपको उसको याद करने का बहुत ही शानदार तरीका ही बताया है कि अम्ल जो है वो नीले को लाल कर देता है। मैंने ट्रिक क्या बताया था, अनीला, अनीला यानी कि अ से अम्ल, नी से नीला और ला से लाल हो जाता है। वहीं क्षार जो है वो लाल को नीला करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, छलनी, छलनी हो जाएगा, यानी कि छ से क्षार, ल से लाल और नी से
नीला। अगर आप ये याद रखेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि अम्ल लाल को नीला करेगा या नीले को लाल करेगा, या क्षार लाल को नीला करेगा या नीले को लाल करेगा। बस आपको ये दो शब्द याद रखने हैं, अनीला और छलनी। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण हो जाती है। तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होती है। क्वेश्चन आपसे ये है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम, अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए आँखों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और सबसे ज़्यादा ये गाजर में पाया जाता है। इसके अलावा पके हुए पपीते में, पके हुए आम में पाया जाता है, गाजर से भी ज़्यादा पके हुए आम में पाया जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है। आगे है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनका नाम जो गौतम पड़ा था वो इनकी माता के मृत्यु के, जब इनका जन्म हुआ था तो इनके जन्म के 7 दिनों के बाद इनकी माता महामाया देवी का की मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो पालन पोषण है वो इनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम था गौतमी, और इसी कारण से इनका नाम भी उनके नाम के आधार पर गौतम पड़ गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने आपके सामने लेकर पहुंच गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके सामने 100% रियल और जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं वही लेके आते हैं, ताकि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में इन क्वेश्चन के आधार पर टॉपिक चूज कर सकें। और हम एक्स्ट्रा डिटेल जो बताते हैं वो तो आपको कहीं दूसरी जगह पर मिल ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा मैं आपसे कुछ आगे और नए शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ, जो आपको एग्ज़ाम में और भी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो लेता हूँ आपसे विदा, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।